हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 51 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक जो है यह मध्यकालीन इतिहास से, और हम लोग मध्यकालीन इतिहास में क्या शुरू करने वाले हैं, हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है दोस्तों 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो दोस्तों, जो फरीद रहता है या शेरशाह सूरी जिसका नाम है, इन्होंने जो है जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। और जौनपुर को क्या कहा जाता है, उस टाइम में क्या कहा जाता था, तो पूर्व का सिराज कहा जाता था, ठीक है, पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। आइए देखते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं इसके बारे में। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी, जौनपुर से। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था। कब, 1494 ईस्वी में जो है यह फरीद, इन्होंने घर छोड़ दिया था जो है, किसके लिए, तो विद्या अध्ययन के लिए। विद्या अध्ययन के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। कब, 1494 ईस्वी में, ठीक है। और विद्या अध्ययन के लिए कहाँ चले गए, जौनपुर में जाते हैं, जौनपुर जाते हैं और विद्या का अध्ययन करते हैं। और जिसे क्या कहा जाता था उस टाइम में, पूर्व का सिराज कहा जाता था, ठीक है, पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था उस टाइम में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। तो दोस्तों, शेरशाह सूरी जो रहता है, यह सबसे पहले जो है हजरत आला की उपाधि अपनाता है और बाद में जो है सुल्तान की उपाधि जो है धारण करता है। तो आइए इसके बारे में भी देखते हैं थोड़ा। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां या फिर शेरशाह सूरी ने हजरते आला की उपाधि धारण की। किसकी, हजरते आला की उपाधि धारण की, ठीक है। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। किसकी, तो शेर शाह की उपाधि धारण की, तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। क्या पढ़वाया, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। क्वेश्चन क्या है हमारा, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे। दोस्तों, ये अभी पीछे प्री का क्वेश्चन है, सन 2003 में आया था। तो कौन कौन से सुधार जो है शेरशाह सूरी द्वारा किए गए थे, चार सुधार मैंने यहाँ पे डाले हैं, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। यह चारों सुधार जो है किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों राजस्व सुधार के बारे में, ठीक है। राजस्व सुधार की बात करते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता था। किसे, शेरशाह सूरी को जो है अकबर का पूर्वगामी माना जाता था, ठीक है। इसके साथ साथ आइए राजस्व सुधार, ये जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इन्होंने, शेरशाह सूरी ने राजस्व सुधार के बारे में कैसे जो है सुधार किया था। तो जानिए, थोड़ा ध्यान से गौर से सुनिएगा, ठीक है। शेरशाह सूरी का विश्वास था कि साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि जो है राजस्व सुधार के लिए क्या कहा था कि शेरशाह सूरी का विश्वास था कि साम्राज्य को अस्थायित्व करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे कि राजकोष को काफी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए।
उसकी लगान व्यवस्था में मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रशासनिक सुधार के बारे में। तो प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी का कहना था कि शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्था का पूर्ण ज्ञान था। ठीक है, वित्तीय व्यवस्था के बारे में पूर्ण ज्ञान था जो है। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। पूरे दिल्ली में जो है सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में इसकी शेरशाह सूरी की जो है गणना की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ शासक स्वयं शासन का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया। कितने? 47, 47 सरकारों में विभाजित किया। किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे को उसने 19 सरकारों में बांट दिया। कितने? 19 सरकारों में बांट दिया। ठीक है, बांट दिया था तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी के नियंत्रण में छोड़ दिया था। उसकी सहायता के लिए असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल, क्या? अमीर ए बंगाल, ठीक है, की नियुक्ति होती थी। किसकी? अमीर ए बंगाल की जो है नियुक्ति होती थी। ठीक है, नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सैनिक सुधार के बारे में। तो सैनिक सुधार के लिए शेरशाह सूरी ने क्या किया? अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को अपनाया था। नेक्स्ट आखिरी बात करते हैं हम लोग करेंसी प्रणाली में सुधार। तो दोस्तों करेंसी प्रणाली में सुधार के लिए शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन, कितना? 180 ग्रेन, ठीक है, 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन। ठीक है, तांबे का दाम जो था वह कितना था? 380 ग्रेन चलाया। ठीक है, तो यह हो गया हमारा करेंसी प्रणाली में सुधार। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो दोस्तों सबसे पहले हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में जो है आक्रमण किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को जीत लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? तो दोस्तों चांदी का सिक्का जो रहता है शेरशाह शुरू करता है। ठीक है, शेरशाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली का स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और जो ब्रिटिश में मुद्रा का आधार बनी। उसने अंत में मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्कों रुपया का तौल 180 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्रायः अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। ठीक है, तो दोस्तों इस टॉपिक से जो मुद्रा का टॉपिक है इसका बहुत ही क्वेश्चन आया, इसलिए इसको इतना डिटेल में डिस्कस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा,
शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई तो कब कहाँ पे हुई, कालिंजर में, ठीक है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, कालिंजर में। कैसे हुई आइए इसको जान लेते हैं। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेर शाह के सैनिक हुक्के गोले फेंकने में व्यस्त थे, ठीक है, हुक्के और गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा कर वहां गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। देखो होता है ना, जैसे कि आप बम फोड़ रहे हो, ठीक है, और ढेर सारा बम रख के अपने पास में बैठे हो और बम फोड़ रहे हो, अचानक से एक बम की चिंगारी आके उस ढेर सारे बम को जो है टच कर गई, और वहीं पे आप खड़े थे और सारा का सारा बम ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद जो है वो बम जो ब्लास्ट हुआ ढेर सारा इकट्ठा, वह कोई इधर जाके ब्लास्ट हो रहा है, कोई उधर जाके ब्लास्ट हो रहा है, कोई वहीं पे ब्लास्ट हो जा रहा है, इस तरह से जो है जब ब्लास्ट होने लगे उसी में जो है शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई, ठीक है। जो है शेर शाह वहां से अधजला बाहर निकला, यद्यपि दुर्ग जीत लिया, ठीक है, मतलब कि जो किला था दुर्ग था उसको तो वो शेर शाह सूरी ने जीत लिया, लेकिन जो है बम में जो है गोलों में जो है आग लगने की वजह से जो है वह जो है विध्वंस होने से शेर शाह पूरा वहां से अधजला हो गया, ठीक है, आधा जल गया, किंतु यही शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। जो यह किला जीता था यह अंतिम किला वह जीता था, ठीक है, इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती तो कोई किला नहीं जीत पाता है। 22 मई 1545 को 60 वर्ष की आयु में जो है वह कालिंजर में ही मर गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कौन था, कीरत सिंह, ठीक है, कीरत सिंह उस टाइम में वहां के राजा रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे, ठीक है। तो यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन हमारे, ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह कौन कहा था, ऐसा शेर शाह ने कहा था, ठीक है। शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त वाक्य फूट पड़ा था। क्या वाक्य फूट पड़ा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ऐसा किसने कहा था, शेर शाह सूरी ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। शेर शाह को दफनाया गया था कहाँ पे, तो सासाराम में दफनाया गया था। सासाराम कहाँ पड़ता है दोस्तों, बिहार में, ठीक है। शेर शाह सूरी का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था और इसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर से पूरी की। इसका बचपन का नाम फरीद था, क्या था, बचपन का नाम फरीद था, और शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, तो जौनपुर से, ठीक है। भारत में इसने 1540 से 45 ईस्वी तक शासन किया, कब से कब, 1540 से 45 बोले तो 5 साल, ठीक है, कितना, 5 साल। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम रोहतास में दफनाया गया, ठीक है, सासाराम में कहा, तो रोहतास में दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है, ठीक है, कहाँ का, अफगान का स्थापत्य, ठीक है, इसका शानदार नमूना माना जाता है, जो शेर शाह सूरी का मकबरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो दोस्तों शेर शाह ने प्रारंभ की थी। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिनमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है, ठीक है, किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग यह क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, एशिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन और क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
और इसके साथ साथ जो हम लोग लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा आखिरी वीडियो में, भारतीय अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपको बताना था कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री को क्या कहते हैं। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष यात्री को व्योमनाट कहते हैं। क्या कहते हैं? व्योमनाट। जो कोई भी ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, व्योमनाट। ठीक है, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। जो एस्ट्रोनॉट है ये नहीं बोलते हैं, टाइकोनॉट भी नहीं, कॉस्मोनॉट भी नहीं, व्योमनाट जो है बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष यात्री को कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आप लोग को कि इनमें से कौन पक्षियों के महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, जरूर से कीजिए रिप्लाई दोस्तों, और जानिए ये जियोग्राफी का जो क्वेश्चन है और आप लोग को ढूंढ के आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। चैनल का नाम आप लोग को पता ही होगा, एग्जाम ट्रेंड्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।